खबर चुरू से है, जहां गाजसर गांव में गंदे पानी की गिनानी टूटने से गांव में पानी भर गया। पानी भराव के बाद कई ग्रामीण गंदे पानी में फंस गए। ग्रामीणों ने दो महिला और दो समेत 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई मकान ध्वस्त हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने चुरू भालेरी हाईवे को जाम कर दिया, जिसके चलते हाईवे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। SDM अभिषेक खन्ना, DSP ममता शाश्वत मौके पर पहुंचे। घटना के बाद गांव के लोगों में भारी आक्रोश है। गादसर गांव की घटना है, जहां गंदे पानी की किनानी टूटने से गांव में पानी भर गया। पानी भराव के बाद कई ग्रामीण गंदे पानी में फंस गए। ग्रामीणों ने दो महिला और दो समेत 7 लोगों का रेस्क्यू किया है। मुझे सरपंच साहब के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि केनानी टूट गई है, तो मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँचा और मौके पर पहुँचा तो प्रशासन को भी फोन किया और इस गांव के 2-3 मकान भी ढह गए और इसमें करीब 6 सदस्य भी पानी में डूब रहे थे और पूरे प्रशासन के माध्यम से गाँव वालों के सभी के सहयोग से उनको बाहर निकाला। अभी तक हमारी भ्रष्ट नगर पालिका के चेयरमैन साहिब अभी तक गांव वालों को देखने के लिए नहीं पहुंचे। कौशल जुड़ गए हैं। कौशल, बड़ा सवाल यह है कि गादसर गांव में पहले भी पानी की गंदे पानी की जो गिनानी है वो टूट चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन ने पहले से कोई पर्याप्त इंतजाम क्या नहीं किए थे, क्योंकि हादसे का अंदेशा तो हमेशा बना ही रहता है। जी आशीष, मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब ये गिनानी फिर से टूट गई है, जिसकी वजह से पूरे गांव में पानी इकट्ठा हो गया। दो घर भी गिर गए, उसमें रेस्क्यू करके 7 लोगों को वहां से निकाला गया है। हर साल की ये बात है आशीष, सही कह रहे हैं आपकी, ये हर साल टूटती है, लेकिन प्रशासन है तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नहीं करता। बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन को देखना चाहिए कि हर साल जब ऐसे हादसे हो रहे हैं तो इसके लिए पुख्ता इंतजाम उनको करना चाहिए, लेकिन नतीजा सिफर है। बड़ी परेशानी यहाँ पर गांव वालों को हर साल उठानी पड़ती है। आज भी बड़ी मशक्कत के बाद जो मोर उनके जो कर्मचारी है वहां पहुंचे और 7 लोगों का रेस्क्यू करके वहां से बड़ी मशक्कत के बाद गंदे पानी की गिनानी का जो पानी था उसके अंदर से उनको निकाला गया है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि कब प्रशासन इसके गिनानी की चारदीवारी करवाती है और किस तरह से इसको इसके पुख्ता इंतजाम यहाँ पर करती है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा आशीष की गिनानी टूटने से जो ग्रामीण है उनमें काफी रोष है। 3 घंटे से 4 घंटे से कंटिन्यू जो राजमार्ग है 52 नंबर को रोक दिया गया है। वहां पर दीपचंद राहड़ है प्रधान पंचायत समिति के, उन्होंने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है और साथ ही प्रशासन से मांग की जा रही है कि इसके पुख्ता इंतजाम करें ताकि हर साल होने वाली त्रासदी से बचा जा सके। जी आशीष, धन्यवाद आपका कौशल तमाम जानकारी के लिए। टोंक जिले से खबर है, जहां देवली नगर पालिका की 7